हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की, जय महेंद्रवासिनी। देखिए, जीत के हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। दिल्ली में बारिश शुरू हो चुकी है, पुणे में बारिश शुरू हो चुकी है, बस मुंबई बाकी है और यूपी बिहार बाकी है। बहुत जल्द आज रात तक या कल सुबह तक वहाँ भी बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेहनत सफल हो रही है। स्नेहलता जो पुणे में रहती है, उनकी मेहनत बहुत सफल है। बेचारी, एक कहते ना, 100 बार प्रत्यंगिरा कवच करने से वायु रुक जाती है, उन्होंने 400 बार किया है। केशों के लिए क्या है, सबके लिए क्या है, मुझे पूरा भरोसा है कि जीत हमारी होने वाली है। केशों भी बहुत अच्छे से आएगा। और ये बारिश इसलिए ला रहे हैं हम कि ये जो केमिकल मिक्स किया गया है हवा में, ये कम हो जाए। देख लीजिएगा ये केमिकल का असर, क्योंकि मैंने ये पूरी तरह से, मैं कोई वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने दिमाग से जो सर्च मारा वही देखा कि पिछले साल भी फरवरी से मिशन शुरू किया गया था मई तक, जैसी बारिश शुरू हुई, बारिश होने के बाद आप देखें धीरे धीरे लॉकडाउन खुल गया, सब खुल गया, बहाना क्या मारा गया, अब कोरोना केस कम हो गया। नहीं, बारिश जैसी गिरती है केमिकल का असर खत्म हो जाता है और वायरस पूरी तरह से चला जाता है। बहुत जल्दी देखिएगा, जहाँ जहाँ बारिश शुरू होगी वहाँ वहाँ पूरा केमिकल असर खत्म होगा और बारिश की वजह से सारा चीज़ ही खत्म हो जाएगा। जब ऑक्सीजन मिलने लगेगा, सब कुछ होगा, तो किसी की कोई बीमारी ही नहीं रहेगी। और फिर से यही आएगा न्यूज़ कि धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। हमारा पूरा मिशन यही है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाए, सारा काम हो जाए, कि मैं लोगों तक सामान पहुँचा सकूँ और मेरा केशव आ जाए। मुझे बहुत सारे जन डेली मेरे को मैसेज करके सवाल करते, क्या वो हमारा डिलीवरी नहीं हुई। मैं एक ही बात बोलूँगी, बच्चा मेरे पेट में है, दर्द मुझे है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये होगा ज़रूर, लेकिन आप लोगों के घर में खाना खाने नहीं आ रहा है। हाँ, मैं समझ रही हूँ, वेट हो रहा है, वो अपने टाइम से जब उसको आना होगा आएगा, समझे। बहुत से बच्चे हैं, आते हैं टाइम से, मेरी जिद है कि मुझे ऑपरेशन कराने नहीं जाना है और मुझे नहीं जाना है। वो आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा, चिंता मत कीजिए। इतना बड़ा पेट निकला तो अंदर तो जाएगा ना, जिंदगी भर ऐसा पेट तो रहने वाला नहीं है। बहुत सारी कहानी पुराणों में भी सुना होगा ना कि बहुत से बच्चे लेट आए हैं, जो भगवान के बच्चे लेट ही आते हैं, उनका चिंता मत कीजिए। दिया है भगवान ने बीज, तो फल आने ही आना है। इतने लोग जब मेहनत करें, जब हम बारिश चल ला सकते, तो इसकी क्या बात है। अभी पूरा टारगेट ही हमने ये किया है। दूसरी बात, मुझे कल किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मैम सिर्फ आपकी गाली सुनने के लिए लोग सब्सक्राइबर करते, देखिए, और आप लोगों को शक्तियाँ नहीं देती हैं, उनका पैसा वापस कर दीजिए, आपके नाम पर वीडियो बनी है। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो लोग ने वीडियो बनाई है उनके पीछे की सच्चाई ना आप जानते हो ना लोग जानते हैं, समझे। मैंने पहले ही कहा है, मैं काम लेती हूँ, काम नहीं होने पे पैसे रिटर्न कर दो, लेकिन अभी आपके बैंक है क्या। हाँ, शक्तियाँ की जो बात करते, मैंने अभी दिवाली में ही कम से कम नहीं कुछ तो 2000 लोगों को फ्री में शक्तियाँ भेजी हैं। याद होगा आप लोगों को, मैंने फ्री में शक्ति भेजी है यहाँ से। वो शक्तियों का तो कोई नामो निशान नहीं, कहते ना मुमताज़ जिन, मुमताज़ परी, मैंने सबको फ्री में दिए, शक्तियाँ सबके पास गई हैं। लेकिन आदमी ये सोच के बैठता है, अरे शक्तियाँ नहीं है, चलो पैसे ले लो, वो बड़ी बात नहीं। मतलब लॉकडाउन सिर्फ आपके लिए है क्या। जितने लोगों को दिया मेरे पास सबूत है, मैं दी हूँ। हाँ, लेकिन जो लोग मेरे को अभी जो लोग बोलते ना वीडियो बनाते, जब वो लोगों में सबर नहीं है, करते नहीं है, सोचते वीडियो बना के बदनाम कर देंगे, बदनाम करने से तो मैं पहले ही बोलती हूँ, जब बदनामी कर दो तो पैसे भूल जाओ ना। हाँ, ये क्या है बात। मतलब जो 50,000-60,000 देखे अपनी औकात दिखाते, पहली बात तो मैं बोलती हूँ कि आप पूजा करवाते क्यों हो, पैसा वापस लेने के लिए करवाते हो। हाँ, शक्तियाँ तो मैंने दी हैं। आप जिस दिन मेरे पास नाम लिखाते हो ना, जिस दिन मैं यहाँ पूजा शुरू करती हूँ, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से ऐसे शक्तियाँ ट्रांसफर करती हूँ, मैं हवा रूप में शक्ति ऑलमोस्ट आप तक पहुंच जाती है। और दूसरी बात, जितने लोगों के पास शक्तियाँ पहुंची हैं, जिन लोगों ने उनका आवाहन नहीं किया, उनका टाइम पे खाना पीना नहीं देते ना, वो उनके साथ फिर बुरा करती हैं। उनका जो हाल वो करती है ना, वो शायद कोई भी सोच नहीं सकता। मुझे ब्लेम मत करो, मैं तो जहां बैठी हूं सही बैठी हूं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि शक्तियाँ मैंने नहीं भेजी, मैं तुरंत यहाँ से भेजती हूँ। कुरियर उरियर सब बंद है। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि हमने कुरियर से सामान भेजा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, लिफाफा पहुंचता है, कुरियर का सामान गायब हो जाता है। इसलिए हमने हवा रूप किया है, हवा रूप में मंत्र देके लोगों को शक्तियां दे रहे हैं। शक्तियां एक्टिवेट करना कितना खतरे का बात है मालूम है क्या आपको। आप लोग जो बोलते हैं कि मैडम आपको लोग गालियां देते, अरे देने दो, जब मैडम को फर्क नहीं पड़ता तुमको क्यों फर्क पड़ा, तुम क्यों बीच में आ रहे हो भाषण देने। हाँ, मेरी आईडी है, मैं नेट का रिचार्ज भरती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं अपने यूट्यूब का वीडियो बना रही हूँ, उसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है। तुमको नहीं पसंद है देखना, तुम ब्लॉक करके हट जाओ। देखो कहावत क्या है, नाचना है आंगन टेढ़ा। तुम्हारा धंधा पानी लगता बंद हो गया, ऐसे तुम मेरे पीछे पड़े। कौन सा पंडित है, कौन सा ये है जो आज मुहिम में लगा है, बताओ। सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं। हाँ, कौन सा, मैं तो रोज वीडियो यूट्यूब देखती हूँ, फालतू सब आता है। मेरे किसी पंडित का, किसी का नहीं देखा बगला मुखी का कि कोई मुहिम पे लगा है कि हाँ चलो कोरोना भगाएंगे, हम पूजा पाठ करेंगे। कोई लगा है, कोई कुछ पूजा कर रहा है, नहीं। मेरी डेली वीडियो आती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम डेली बोल रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। जिनको मिलना था, जो चीज़ मिलना मिल गई है। ये जो बोलते हैं ना, वो वही बोलते हैं कि आधे लोगों को तो मैंने काम ही नहीं लिया, जिनको बोलना है बकवास करते रहते, जिनको हम जानते नहीं है। और ऐसे भी
जब तक नाम खराब नहीं होगा नाम आगे कैसे बढ़ेगा, बात खत्म। मुझे दुनिया से मतलब नहीं, कौवा कान लेके गया, मैं कौवे के पीछे नहीं भागती, मैं अपना देखती हूँ। मुझे फिलहाल तुम लोग की बकवास में ध्यान देने से अच्छा मुझे लोगों का काम करने में। और दूसरी बात, जिसने मुझ पर आज तक विश्वास किया है, जिसने मुझसे शक्तियाँ ली और जिसने पांच अगरबत्ती बोल के ये बोला है, पांच अगरबत्ती लगा के कि विद्या माँ ने जो हमें शक्ति दी वो मेरे सामने प्रकट हो, शक्तियाँ उनके सामने प्रकट हुई हैं। जिन्होंने मन में अंधविश्वास रखा, गलत किया, उनके साथ खुद ब खुद गलत हो गया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, समझे। बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं जो सामने आते हैं। मैं क्या हूँ, मैं तो अपने घर में हूँ। मैं जिस बंगले में रहती थी उधर से निकाला, वहां से जिसने जिसने मुझे षड्यंत्र कर निकाला, सबकी हालत खराब है। ऐसी बात नहीं है सिर्फ उसकी नहीं, जिसने उसका साथ दिया सबकी हालत खराब है। और दूसरी बात, उसके बाद और हालत खराब होगी। जो जिसने इस तरह से निकाला, सोचा कि हमारा निकाल देंगे, कर देंगे, जिसने उसको चढ़ाया गया, अरे तुम्हारा हर घर, अरे घर क्यों हड़पूंगी, मैं मेहनत से कमा के खाने वाली औरत हूँ, मैं कभी दिखावा नहीं करती हूँ। मेरे में दम है, आज की तारीख में 90,000 भाड़ा भरना भी करोड़पति वाला खेल है। आज की तारीख में कौन है जो 90,000-60,000 भाड़ा भरता है, कोई नहीं भर पाता है। 5-10,000 के घर में रहने में गांड फट जाती है सबकी, समझे। मैं उतना भी भरती थी ना, बहुत बड़ी बात। और जिसने चीटिंग की ना, वो खुद देखेगा, ऊपर वाला है ना। जब भगवान, जब हम लोग यह प्रत्यंग्रह कवच करके बारिश ला सकते हैं, तो ऐसे लोगों की बैंड भी बजा सकते हैं। अच्छे से अच्छी बैंड बजी है। जिस जिसने मेरे साथ बुरा किया, सबके साथ बुरा है। जिसने घर खाली कराया, चाहे वो एजेंट हो, चाहे कोई भी, मैं मुंह पे बोलती हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे सामने बहुत अच्छे बनते हैं, दीदी दीदी करके बहुत प्यार से बोलते हैं, उनकी भी बैंड बजी। क्यों? गलत का साथ दोगे, गलत ही होगा तुम्हारे साथ। क्यों? हमने हमेशा तुम लोगों को मदद किया। मैंने लॉकडाउन में भी बहुत लोगों को मदद किया है। मैंने आज तक किसी से पैसे रिटर्न नहीं मांगे, आपको यकीन नहीं है। तुम लोगों को लगता है मैंने लॉकडाउन में जिसने मुझसे जो मांगा, 5,000-10,000 जो मदद मांगी थी, मैंने दी। आज तक किसी से रिटर्न नहीं मांगे। ऊपर वाला देख रहा है ना, हम बांट के खाने वाले लोग हैं। गलत का साथ दोगे, गलत होगा। यहाँ तो ऐसे कुछ बेशरम लोग हैं जिनको सिर्फ मुंह से बोल देना गलत हो जाता है। बोल दिया कि चलो हमारी तरफ से 10,000 रख लेना, तो अब उसके पीछे ही पड़ जाएंगे, भले उनका मेहनत का पैसा नहीं है, हराम का है तो भी नहीं, दो दो दो, ऐसे लोग हैं। लेकिन उनका कुछ भी नहीं। देखो, कागज की नोट कब तक खाओगे? व्यवहार वैसा बनाओ कि जिंदगी भर बैठ के खाओ। कागज की नोट के पीछे पड़ोगे ना, तो बारिश आएगी, कागज के नोट पे से परछाई, अक्षर वक्षर सब मिट जाएंगे, सिर्फ रह जाती है यादें। आप किसी के साथ एक बार अच्छा करो ना, दुनिया आपके साथ। जो मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं ना, वो मेरे घर में बैठे खा रहे हैं। जिन्होंने मेरा बुरा सोचा है, वो दरवाजे में भीख मांग रहे हैं, बात खत्म। मैं तो जहाँ हूँ वहीं हूँ, मैं कहीं नहीं। मैं लोगों का आज भी मैं यहाँ बैठी हूँ, डेली टेंशन में। मैं बच्चे का टेंशन बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, जान तो मेरी खतरे में है। आदमी क्या होता है, बुखार आता है, कोरोना से मर जाता है ना। मैं तो एक ऐसी कहते ना, औरत को बच्चा होने पर नया जन्म मिलता है, मेरी जान तो ऑलमोस्ट खतरे में। लेकिन नहीं, मैं अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखी। मुझे पता है मेरी ही मुंह की लाली चमकेगी, देख लेना। मेरा बच्चा बड़ा शान से आएगा, गोलू मोलू आएगा, एकदम गोरा सा आएगा, एकदम सुंदर सा आएगा। आधे लोगों की जल जाएगी, जिसे नहीं होगा ना, 4-5 लोग तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। अरे लगा लो एडी छोटी का जोड़। मैं यही बोलूंगी, मैं कभी किसी के बच्चे तक नहीं आती, लेकिन शर्म आनी चाहिए। एक छोटी सी नन्ही ने जान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन जो इस नन्ही सी जान के पीछे पड़ते ना, भूल जाते कि हमारे भी घर में छोटे बच्चे हैं। अगर हम किसी के ऊपर करेंगे तो हमारे पर उंगली आएगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होएगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। फर्क उनको पड़ता है ना जिनको पता चले। देखो, 10 के नीचे 100 के औरत, बच्चा पैदा करने वाली औरत को कभी नहीं पता चलेगा कि औरत औलाद का दर्द क्या होता है। हमें पता है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा एक बहुत नायाब चीज होती है, बच्चे इसके बड़ा कोई होता ही नहीं है। और मैं एक बात बताऊँ, मैं अपनी माता रानी से एक ही बात बताती हूँ, मेरी कीड़े मुझे ही देना। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा ना माता रानी, मेरी कीड़े मुझे ही डालना, मेरे बच्चों तक बिल्कुल मत लाना। तो मेरे बच्चे सबके सब सेफ हैं, और ये भी सेफ है, ये भी पेट में बड़े मजे से बैठा हुआ है, कुछ भी टेंशन नहीं है। तो एक बात बताऊँ, आप किसी पर अगर एक उंगली उठाओगे ना, 4 अपनी तरफ रहती हैं। तो ये बात बोल के ही मतलब नहीं है। एक बांझ औरत को, एक उल्टा औरत को, एक कहते ना, हमारे में एक कहावत है यूपी में, चोरी छिनारी कभी छुपती नहीं है। तो ऐसी फालतू लोगों को बत समझा के मतलब नहीं है। वो लोग को हम पूजा पाठ करने वाले हैं, हम लोग को पता है कि हमारा क्या होएगा। जो लोग षड्यंत्र रचते हैं, जो लोग करते हैं ना, गेम खेलते हैं ना, उनके साथ भगवान गेम खेलता है। क्योंकि देखो, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, जब वो अपनी लाठी बरसाता है ना, तो चारों खाने चित्त कर देता है। देख लेना, भगवान देती है ऐसी गंदी औरतों को औलादे देती है, लेकिन वो औलादे ना बाद में आके ना उन्हीं के बोचे पे लात मार के बोलती है कि तेरी जैसी औरत मेरी माँ होने से अच्छा मैं भिखारी के घर में पैदा हुआ था, ऐसे बोलेंगे, समझ लो।
आपका आगम आपको ही दिखाई देगा। कितने लोग माँ बाप को नहीं पूछते। अभी एक पता चला था, बैंड्रा में एक औरत को छोड़ दिया था। कहीं कहीं माँ बाप गलत होते हैं, कहीं कहीं बच्चे अच्छे होते हैं, कहीं कहीं बच्चे अच्छे, कहीं कहीं बच्चे नालायक होते हैं, माँ बाप अच्छे होते हैं। कुछ नहीं कर सकते, दुनिया वैसी है, उसके लिए कोई देखना ताकना मतलब नहीं है। बस ये है, मैं ये बोलूँगी आप अपने घर में देखो पहले, अपने घर में एक छोटे बच्चे हैं, पहले अपना घर संभालो बाद में बाहर देखना। मैं पहले अपना घर संभालती हूँ फिर लोगों को देखती हूँ, लेकिन मेरे लिए तो पूरा देश ही मेरा बच्चे हैं इस वक्त। मेरे लिए सबसे बड़ा मुहिम है, मैं पूछो डेली स्नेहलता सबको, मेरे व्हाट्सअप पे स्टेटस पे रहते हैं, डेली बोलती हूँ कि पढ़ते रहो, मुझसे जितना पूजा हो रहा है मैं करूँ, जितना तुमसे वो करो, बारिश लाओ, बारिश ला के ये ख़त्म करो और फटाफट आपका सामान आएगा, सामान कहीं नहीं जाएगा। मुझे कल किसी ने क्या बोला था, आपको बातें ही तो आती ही बोलना, और क्या आता है। मुझ पर जो विश्वास किए ना, कभी अपना विश्वास नहीं खोते, और एक दिन आएगा। मेरे गुरु हमेशा कहते तेरे मुँह की लाली चमकेगी, और मेरे मुँह की ही लाली चमकेगी, मुझे पता है, देख लेना। और जिस दिन होगा ना ऐसा, उस दिन पूरी दुनिया, मतलब कहते हैं आसमान भी चीख चीख के हंसेगा, आसमान भी फूल बरसाएंगे कि हमारी ऐसी जीत होगी। क्योंकि आपका जो हम मुहिम किए हैं ना, कोरोना को जड़ से हटा करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। उसके लिए भले मुझे अपनी जान क्यों न देने पड़े। इसलिए जो बकवास करते हैं ना, मैं इतना ही बोलूँगी भाई, बकवास करके मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे मेरे पीछे अपना ध्यान लगाने से अच्छा मुहिम में पकड़ो, प्रत्यंग्रह कवच करो, अपने घर में पूजा पाठ करो, बॉडी वाले शख्स को सिगरेट अगरबत्ती लगाओ कि इस दुनिया से कोरोना जाए। जब बचेंगे तभी तो लड़ेंगे ना, लड़ने के लिए भी दूसरे को जिंदा रहना जरूरी है, जब मर जाओगे तो क्या लड़ोगे। और दूसरी बात, विद्या देवी में दिमाग लगाना छोड़ दो। कितने लोग मेरे पे दिमाग लगाते लगाते, मैं तो आराम से बैठ के कमा के खा रही हूँ, यहाँ पे ऐसा हाल है कि लोगों के भीख मांगने की नौबत आ गई है। तो मुझ पे दिमाग लगाना बंद करो, अपने घर में ध्यान दो भाई, अपने घर का ध्यान दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं अपनी माता रानी पे उठती हूँ, मुझे किसी के बाप का डर नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ उनके पद पे चलती हूँ। किसी ने तो कहा था ऑपरेशन ही होगा, अरे नहीं होगा ऑपरेशन, मर जाऊँगी ना, नहीं जाऊँगी ऑपरेशन करवाने। अगर भगवान ने दिया है ना अभी लाएंगे, और नहीं लाएंगे तो मार देंगे, बात खत्म। मरने से कौन डरता है, एक लेकिन चाहिए रहता है ना, कोई फायदा नहीं। लेकिन तब तक कम से कम देश को तो बचा लें, ये बात है। लेकिन ये है जो प्रत्यंग्रह कवच है, एक हफ्ते में वो बंदा तो ज़रूर मरेगा जिसने ये केमिकल मिक्स किया, बहुत जल्दी सामने आएगा और सबको पता चलेगा कि क्या। मैंने पिछले साल भी कहा था 15 जून से लॉकडाउन ख़त्म होगा और खुलेगा रास्ता, खुला था। इस बार भी कह रही हूँ 15 मई के बाद लॉकडाउन नहीं लगेगा, देख लेना 15 मई तक आपको ईद के पहले पता चलेगा कि किसने केमिकल मिक्स किया और क्या हुआ। हो गया शुरू तांडव कर रहे ना, युद्ध छिड़ गई है, शुरू हो चुका है, मज़ा देखो क्या होता है। जीत तो हमारी होगी, इतना मुझे पता है, जीत तो माँ बगलामुखी की होगी और यही होने वाला है। आगे जाके देखना, सब मानेंगे कि शक्तियाँ होती हैं, और शक्तियाँ हैं तो सब कुछ है, ये मेरा वादा है। और जिसने आज तक मेरा बुरा सोचा तो खुद ही खटे पे पड़े, क्या करेंगे, भीख मांगने की नौबत आ गई। मैंने यही कहा, जो मेरे तरफ आँख भर के देख लिया ना वो जिंदगी भर भीख मांगेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम किसी की तरफ देखते ही नहीं, हम लोग पहले अपना तो पेट भर लें। यहाँ मैं लोगों को बांटने में लगी रहती हूँ, किसी का छीन के नहीं खाती हूँ, लेकिन जो दूसरों का छीन के खाते हैं ना वो ऊपर का टिकट कटता है उनका, वो शेर बनते हैं। कितने लोग सोचते किसी का घर खाली करा दिया, ये खाली करा दिया, अरे मैं बहुत अच्छे बन गए, दो मुंह के सांप बनते हैं ना उनका, तो वो बुरा हाल होता है ना कि उनको तो पानी देने वाला भी कोई नहीं बचता। ये हालत देख लेना, ये मेरा वादा है, बहुत जल्दी सामने आएगा। जय माता दी।